नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। हम आज खड़े हैं रंगली बटकेश्वर जन कल्याण समिति, जिसका कि आज फाउंडेशन डे है, और इसी को देखते हुए यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्धारण किया गया है। आइए हमारे संग और अंदर प्रवेश करके यहाँ से विस्तार से समझते हैं यहाँ के जो भी पदाधिकारी है उनके साथ कि क्या है, कैसे है और क्या है उनका उद्देश्य। जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद। अभी तक जन कल्याण चैरिटेबल हॉस्पिटल के द्वारा समाज हित में क्या क्या कार्य किए गए हैं? हम लोग के पास अभी हम लोग बटकेश्वर जन कल्याण समिति एक संस्था है, ये स्पेशली फॉर हेल्थ, हम लोग स्वास्थ्य संबंधी सेवा के लिए हम लोग समाज को जैसे भी जो स्वास्थ्य संबंधी सेवा पहुँचाए बोलते ही हम लोगों ने अपना संगठन को गठन किया है। तो इसी विषय में हम लोग 2 साल से एक एम्बुलेंस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग रन कर रहे हैं, इससे मोटा मोटी 150 जन अभी लाभार्थी हम लोग का एम्बुलेंस का लाभ ले चुके हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2 साल से एम्बुलेंस सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी तक इस एम्बुलेंस सुविधा का लाभ यहाँ के जो रंगली के जो निवासी है उसके अलावा को बाहर के भी लोग ले पाए हैं क्या? जी, रंगली छोड़ के हम लोग 6 वेली है, नामरिंग, गेल, टिस्टा वैली, तकदा, गेल बस्ती, सभी जन लाभ लेते हैं। आप लोग को आर्थिक सहयोग कहाँ से मिल रहा है? अभी हम लोग आर्थिक सहयोग के लिए सिर्फ रंगली से ही कलेक्शन कर रहे हैं। हम लोग मेंबर भी उठाते हैं साल का 500 रुपया, तो हम लोग रंगली में अभी 600 मेंबर हम लोग बन चुके हैं, वहीं से हम लोग ये रन कर रहे हैं। अब भविष्य में, आज के बाद में हम लोग भविष्य में बाहर भी जाने का हम लोग योजना बना रहे हैं। अगर कोई सदस्य जो है या कोई लोग जो है स्वेच्छा से आपके संगठन से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? वो एकदम ही सिंपल है, साल का 500 रुपया है, कोई एंट्री फी नहीं है, साल का 500 रुपया देके हम लोग जुड़ सकते हैं। सभी को स्वागत है। बटकेश्वर जन कल्याण समिति और जन कल्याण चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसका स्थापना जो हुआ था, एक ऐसा कोई घटना कि जिससे आप लोग प्रेरित होके इस संगठन का निर्माण करके एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाने का निर्णय लिया? जी, कोविड टाइम में क्या है ना, उस टाइम में हम लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, या तो दार्जिलिंग हॉस्पिटल जाने हैं, उस टाइम हम लोग को जाने के लिए एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं था, पर कोई गाड़ी भी नहीं मिलती थी, कोई ड्राइवर भी जाने नहीं मान रहा था। तो तब वो घटना देख के और कई सारी घटनाएं, ये घटना नहीं, बहुत सारी घटना मिल के ये एक्चुअली हॉस्पिटल का हम लोग प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग दिमाग में आया है। तो मेनली कोरोना है, कोरोना जो है उस टाइम में हम लोग बहुत दिक्कत हुआ यहाँ पर, कि कुछ सुविधा नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं था, कुछ भी नहीं था, छोटा सा छोटा बीमारी के लिए भी हम लोग को जाना पड़ता था दूर, इसीलिए हम लोगों ने एक हॉस्पिटल यहाँ बनाने के लिए निर्णय लिया। बटकेश्वर जन कल्याण समिति, ये जो नाम आप रखे हैं बटकेश्वर, इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, ये इतना सुंदर नाम? जी, बटकेश्वर हम लोग का यहाँ पर एक बटकेश्वर शिवालय है जो 107 पुराना है, तो वहीं से वो शिवालय से ही हम लोग को बटकेश्वर लोगों ने नाम दिया। अभी तक कोई भी सरकारी सुविधा आप लोग को उपलब्ध हो पाया है या नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोग आगे उसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। आपका नाम और परिचय? मैं दिनेश अग्रवाल, बटकेश्वर ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट। और भी कोई कुछ? नमस्कार सबैलाई, प्रवेश लामा, मूल सचिव बटकेश्वर जन कल्याण समिति रंगली दार्जिलिङ। अब तक आप लोगों ने कितने बार यहाँ पे रंगली में हेल्थ अवेयरनेस कैंप प्रोग्राम कर चुके हैं? हामीले चाहिँ अब भन्नुपर्दा हाम्रो संगठन यो गठन भएदेखि चाहिँ हामीले अहिले यस्तो सानसानो कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छौँ, जसमा हामीले ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू हामीले अर्गनाइज गऱ्यौँ सँगसँगै है, जसमा हामीले 23-26 युनिटहरू हामीले पठाउन सक्यौँ, र अरू जुन चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने हामीले गाउँ गाउँमा पुऱ्याइरहेका छौँ। कितने लोगों का सदस्य आपके इस जन कल्याण चैरिटेबल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं? र यो हाम्रो आज 2 वर्ष हाम्रो कुरा हुँदैछ, र अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग 590 मेम्बर्स चाहिँ हामीसँग जोडिसकेको छ, जसमा हाम्रो यहाँ स्थानीय लगायत केही चाहिँ बाहिरको पनि हामीसँग जोडिसकेको छ। आप लोगों का क्या उद्देश्य है ये जन कल्याण चैरिटेबल हॉस्पिटल का?
जनकल्याण भटकेश्वर जनकल्याण समिति हामीले बनाएका छौँ र यसको मूल लक्ष्य चाहिँ हाम्रो हो जनकल्याण च्यारिटेबल हस्पिटल। र कारण किन भन्दाखेरि अब यस क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्दा चाहिँ हामी धेरै पछाडिएको थियौँ र अरू क्षेत्रमा धेरै नै विकास भइसकेको हामीले पाए तापनि यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्दा चाहिँ अलिकति हामी पछि भएको पाउँदाखेरि साथै हाम्रो अहिलेको यो स्थितिलाई हेर्दा चाहिँ हाम्रै क्षेत्रमा पनि विभिन्न रोगीहरू जो चाहिँ उपचारको लागि अहिले टाढो टाढोमा गइरहेको छ र एउटा जुन यहाँबाट जाँदाखेरि लागिने रकमहरू छ त्यो एकदमै उहाँलाई कठिनाइ पर्न गइरहेको छ र यो कुरोहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा यो सोच राख्यौँ अब हाम्रो हामीले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा च्यारिटेबल हस्पिटल स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच अनि लक्ष्य राखेर नै आज हामी यो स्टेपमा चाहिँ पुगिसकेको छ। कितने जगह पे यानी कितने जमीन पे आप लोगों ने इस च्यारिटेबल हस्पिटल को निर्माण किया है? अहिले चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा रङ्बीदेखि केही तल हाम्रो 0 पोइन्ट भनिन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले जग्गा है हाम्रो जग्गा त्यहाँ छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 5,000 स्क्वायर फिटमा चाहिँ अहिले हाम्रो यो हस्पिटल चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। ये किसी के द्वारा गिफ्टेड है या ये आप लोगों का जन कल्याण चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है कमिटी है संगठन है इसके द्वारा आप लोगों ने किसको ये किया? यो तपाईको यो हाम्रो चियाबारी क्षेत्र हो त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ हामीले जुन एउटा व्यवस्थापक रङ्ली चियाबारी अन्तर्गत पर्छ र व्यवस्थापकको तर्फबाट चाहिँ यो हामीलाई एउटा जमिन प्रदान गरिएको छ। उहाँलाई हाम्रो मिडियाको माध्यम तपाईँ के सन्देश दिनु चाहनुहुन्छ? र उहाँलाई चाहिँ विशेष हामी सम्पूर्ण हाम्रो भटकेश्वर जनकल्याण समिति लगायत 11 विभागको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई यहाँ स्थानीय हाम्रो व्यवस्थापक महोदय साथै उहाँको माथि जो हुनुहुन्छ डाइरेक्टर उहाँलाई पनि हामी सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट चाहिँ हामी विशेष आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। शासन प्रशासनको द्वारा किस तरह से आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग चाहिँ एउटा कारण एउटा जुन स्वास्थ्य भन्ने क्षेत्र सबैलाई एउटा चाहिने कुरो भएकोले गर्दा विशेष सहयोग हामीलाई हामीले पाइरहेको ठान्छौँ। ओके थ्याङ्क यू धन्यवाद। आज द्वितीय स्थापना दिवस भटकेश्वर जन कल्याण समिति के द्वारा तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? धन्यवाद देता हूँ करता हूँ। आज हम भटकेश्वर जन कल्याण समिति की द्वितीय स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम लोग आज 2 साल पूरा हो गया है समिति का, इसीलिए मैं सभी अपने समिति के सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ। जन कल्याण चैरिटेबल हॉस्पिटल इसका द्वितीय स्थापना दिवस उसके उपलक्ष्य में आज जो ये मनाया गया द्वितीय स्थापना दिवस, तो हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जन को? हमारे जन कल्याण चैरिटेबल हॉस्पिटल जो रंगली में निर्मित हो रहा है, हम लोग राष्ट्रीय जो स्थापना दिवस मनाए थे उसमें हमने शिलान्यास की थी। आज वो काम शुरू होके बेसमेंट का काम मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है। हम लोग